वी आर गोइंग टू सॉल्व इन अदर क्वेश्चन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बीएस अग्रवाल बुक ऑल्सो 19.8 एक्सरसाइज ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 विच आर ऑल्सो आस्क्ड इन सीएसबीटी यूनिवर्सिटी 2016 सीएसबीटी यूनिवर्सिटी 2018 बहुत लेटेस्ट है, लेटेस्ट में आ चुका है और अदर यूनिवर्सिटी में बहुत सारे में आ चुका है क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर सम द सीरीज मेरे को दिया हुआ है साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस टू अल्फा साइन क्यू अल्फा कॉस थ्री अल्फा। तो सबसे पहले मेरे को सीरीज डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा सीरीज है, साइन का सीरीज है या कॉस का सीरीज है। तो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जिसका एंगल चेंज करता है वही डिसाइड करता है कि कौन सा सीरीज होगा। तो इसमें एंगल किसका चेंज कर रहा है, देखिए कॉस का, यानी यह कोसाइन सीरीज है। तो लेट करते हैं कोसाइन सीरीज को, लेट सी इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा ओके प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस टू अल्फा प्लस साइन क्यू अल्फा कॉस ऑफ थ्री अल्फा प्लस अप टू इन्फिनिटी ओके। देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइन सीरीज क्या हो जाएगा, कॉस की जगह केवल साइन आ जाएगा, डेट इज साइन अल्फा इंटू ऑफ साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस की जगह पर साइन टू अल्फा प्लस साइन क्यू अल्फा इंटू साइन ऑफ थ्री अल्फा प्लस अप टू इन्फिनिटी। इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं, इसको इक्वेशन टू मान लेते हैं। नाउ वन प्लस इक्वेशन टू मल्टीप्लाई बाय टू में आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, सी प्लस आई एस मिल जाएगा ठीक है। तो सी प्लस आई एस मेरा क्या होगा, तो देखिए सी का सी प्लस आई एस का पहला टर्म क्या होगा, देखिए इसमें साइन कॉमन है दोनों में टर्म में, साइन बाहर ले लेंगे बच जाएगा कॉस अल्फा प्लस आई से मल्टीप्लाई किया है इस टर्म में तो क्या हो गया, साइन कॉमन ले लिए तो आई साइन अल्फा बचा हुआ है, आई साइन अल्फा बच गया मेरे को प्लस सेकेंड में देखिए सेकेंड टर्म में साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन है बाहर ले लेते हैं बच गया कॉस टू अल्फा, इसमें आई से मल्टीप्लाई किए तो आई साइन टू अल्फा कॉस टू अल्फा प्लस आई ऑफ साइन टू अल्फा ओके। अब देखिए अब फिर थर्ड टर्म क्या होगा, देखिए थर्ड टर्म साइन क्यू अल्फा है, साइन क्यू अल्फा है ओके कॉमन है, कॉमन बाहर लेते हैं साइन क्यू अल्फा। सिमिलरली क्या हो जाएगा कॉस ऑफ थ्री अल्फा प्लस आई ऑफ साइन थ्री अल्फा ओके प्लस अप टू इन्फिनिटी ये चल रहा है। अब देखिए इसको यूलर सब्स्टिट्यूशन की मदद से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू ई के पावर आई अल्फा, जो एंगल होगा वो एक्सपोनेंट में आएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ई के पावर आई, एंगल कितने टू अल्फा प्लस साइन क्यू अल्फा इंटू ई के पावर आई थ्री अल्फा प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो लिख दीजिए यहाँ पर कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा बराबर होता है ई के पावर आई अल्फा, कहाँ से यूलर सब्स्टिट्यूशन से या यूलर फॉर्मूला ओके। तो यह मिला मेरे को, अब देखिए इसको अरेंज करके थोड़ा लिखते हैं कि दिखाई दे कुछ मेरे को, कोई सीरीज दिखाई दे यहाँ पर। तो साइन अल्फा ई के पावर आई अल्फा लिखेंगे इसको ठीक है, और इसी के टर्म में इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ अल्फा ई के पावर आई अल्फा का स्क्वायर, बिकॉज इसको एक्सपेंड करेंगे तो मेरे को यह मिल जाएगा। फिर इसको क्या लिखेंगे साइन अल्फा ई के पावर आई अल्फा, मतलब इसी के टर्म में सबको लिखेंगे क्यू हो गया प्लस अप टू इन्फिनिटी, यही सीरीज चल रहा है। तो देखिए यह आपको एक जीपी सीरीज फॉर्म हो रहा है, क्योंकि देखिए जीपी सीरीज इसलिए है क्योंकि इस टर्म का रेशियो निकालिएगा तो क्या आएगा मेरे को साइन अल्फा ई के पावर आई अल्फा हो जाएगा ठीक है। तो यह जीपी सीरीज फॉर्म हो रहा है और हम लोग जानते हैं जीपी सीरीज इन्फिनिटी का जो फॉर्मूला होता है, इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म बाय वन माइनस आर, जहां पर आर क्या होता है कॉमन रेशियो ठीक है। तो सपोज इसका कॉमन रेशियो निकालते हैं, देखिए तो अगला टर्म बाय पिछला टर्म साइन अल्फा ई के पावर आई अल्फा का होल स्क्वायर बाय साइन अल्फा ई के पावर आई अल्फा आर, तो देखिए स्क्वायर है तो एक कट जाएगा तो साइन अल्फा ई के पावर आई अल्फा बचेगा रेशियो ठीक है। तो लिखेंगे इसको पहला टर्म क्या है साइन अल्फा ई के पावर आई अल्फा ओके माइनस वन माइनस आर, आर क्या है साइन अल्फा ई के पावर आई अल्फा हो गया। अब देखिए मेरे को डिनोमिनेटर में ई के पावर आई अल्फा मिल रहा है तो इसको ऊपर ले जाना है, मेरे को ऊपर आना चाहिए ठीक है। तो इसके लिए हम इसको इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करेंगे
साइन अल्फा ई के पावर आई अल्फा, वन माइनस साइन अल्फा ई के पावर आई अल्फा। इसका कंजुगेट क्या होगा? देखिए कंजुगेट करने का मतलब इसका अपोजिट साइन होगा, मतलब कि ओनली हम देखिए एक बता दें आपको, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बोलते हैं, इसका कंजुगेट मेरे को निकालना है। तो जो इमेजिनरी पार्ट होता है ना केवल उसका साइन चेंज करता है, दैट इज कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होगा, ठीक है। यहाँ पर जो रियल पार्ट है उसका साइन चेंज नहीं करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि आप इसका साइन चेंज कर दीजिएगा तो आंसर मैच ही नहीं करेगा, आपको कभी भी गलती हो जाएगा आपका क्वेश्चन, मतलब कि आपको आंसर तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो यह ध्यान रखिएगा जब भी कंजुगेट निकालते हैं तो इमेजिनरी पार्ट होता है ना उसका साइन चेंज करते हैं हम लोग, ओके। तो यहाँ मेरा ये रहा, देखिए तो इसका कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करेंगे क्या होगा, वन माइनस साइन अल्फा, ये तो रियल पार्ट है तो एजिटिज रहेगा, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, ई के पावर माइनस आई अल्फा हो जाएगा कंजुगेट उसका। ई के पावर आई अल्फा का कंजुगेट क्या होता है, ई के पावर माइनस आई अल्फा, वन माइनस साइन अल्फा इंटू ई के पावर माइनस आई अल्फा, ओके। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मेरे को मिलेगा साइन अल्फा ई के पावर आई अल्फा इंटू वन माइनस साइन अल्फा इंटू ई के पावर माइनस आई अल्फा, ओके। तो मेरे को नीचे मिल जाएगा वन माइनस साइन अल्फा ई के पावर आई अल्फा इंटू वन माइनस साइन अल्फा ई के पावर माइनस आई अल्फा, ओके। अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पूरे टर्म से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा मेरे को, साइन अल्फा ई के पावर आई अल्फा मिलेगा, और सेकंड क्या मिलेगा, देखिए साइन अल्फा ई के पावर आई अल्फा इंटू साइन अल्फा ई के पावर माइनस आई अल्फा, साइन अल्फा ई के पावर आई अल्फा इंटू साइन अल्फा ई के पावर माइनस आई अल्फा, ओके। अब देखिए अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें वन से पूरा मल्टीप्लाई करते क्या मिलेगा मेरे को बोलिए, वन माइनस माइनस साइनस साइन अल्फा ई के पावर माइनस आई अल्फा मिलेगा, वन माइनस साइन अल्फा ई के पावर माइनस आई अल्फा मेरे को मिलेगा। उसके बाद इस माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस माइनस साइन अल्फा ई के पावर आई अल्फा से मेरे को क्या मिलेगा, साइन अल्फा ई के पावर आई अल्फा मेरे को मिलेगा, ओके। इंटू माइनस व्हाट, प्लस मेरे को मिलेगा। उसके बाद साइन अल्फा ई के पावर आई अल्फा से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू ई के पावर आई अल्फा इंटू ई के पावर माइनस आई अल्फा मिलेगा मेरे को, मिल जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो साइन अल्फा ई के पावर आई अल्फा हो गया माइनस साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा ई के पावर आई अल्फा, देखिए दोनों का बेस सेम है, पावर का एडिशन हो जाएगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ई के पावर आई अल्फा माइनस ई के पावर आई अल्फा, देखिए दोनों कट जाएगा यानी ई के पावर जीरो, कोई भी नंबर का पावर जीरो वन हो जाता है, दैट इज वन हो जाएगा, यह साइन स्क्वायर अल्फा इंटू वन हो जाएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पर उसी प्रकार ई के पावर आई अल्फा ई के पावर माइनस आई अल्फा ये भी वन हो जाएगा, इस प्रकार देखिए यहाँ पर वन माइनस, अब देखिए इसमें साइन अल्फा कॉमन है दोनों में, तो वन माइनस साइन अल्फा बाहर निकाल लेते हैं, वन माइनस साइन अल्फा केवल बाहर निकाल देते हैं, तो मेरे को क्या मिलेगा, ई के पावर माइनस आई अल्फा प्लस ई के पावर आई अल्फा प्लस यह साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, ये दोनों वन हो जाएगा, ये दोनों टर्म इस प्रकार। देखिए अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, अब देखिए एक और चीज़ हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा होता है ना वह ई के पावर आई थीटा प्लस ई के पावर माइनस आई थीटा का बाई टू के बराबर होता है, हम लोग पढ़े पिछले वीडियो में, देखिए कॉस थीटा ई के पावर आई थीटा प्लस ई के पावर माइनस आई थीटा के बराबर होता है, तो ई के पावर आई थीटा प्लस ई के पावर माइनस आई थीटा किसके बराबर होगा, टू ऑफ कॉस थीटा को होगा, लिख देंगे बगल में। तो देखिए यहाँ पर अब यही यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन अल्फा एक और फॉर्मूला, देखिए ई के पावर आई थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, यूलर फॉर्मूला से कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के बराबर होता है ना, जो एंगल जो यहाँ एक्सपोनेंट होता है वही एंगल में आ जाता है। देखिए यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या है, ई के पावर आई अल्फा, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा प्लस आई एफ साइन अल्फा, ओके, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ये रहा मेरा। देखिए इसको वन माइनस साइन अल्फा, ओके, और ई के पावर आई अल्फा ई के पावर आई अल्फा प्लस ई के पावर माइनस आई अल्फा कितना होगा, टू कॉस अल्फा हो जाएगा, यहां से टू कॉस अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और थोड़ा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और, तो क्या मिलेगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा
आई इंटू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, वन माइनस टू ऑफ साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। फिक्सन करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, देखिए यह साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस, देखिए इमेज माइनस सॉरी इमेज इमेजनरी पार्ट को एक साथ रियल पार्ट को एक साथ, रियल पार्ट में रह गया है तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आई इंटू साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। अब देखिए इसको लिख सकते हैं टू साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या होगा, साइन टू अल्फा होता है फॉर्मूला, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो गया मेरे को। अब देखिए इसको अरेंज वे में हम लोग लिखते हैं रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट को एक साथ, तो क्या होगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई वन माइनस साइन ऑफ टू अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये मेरा रियल पार्ट हो गया। और इमेजनरी पार्ट क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फा बाई वन माइनस साइन टू अल्फा बाई साइन स्क्वायर अल्फा है। तो देखिए ये मेरे को क्या था सी प्लस आई एस था, तो बाई कंपेयरिंग रियल पार्ट, रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा कोसाइन सीरीज मिल जाएगा, सी क्या होगा वो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई वन माइनस साइन टू अल्फा बाई प्लस सॉरी प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो मेरे को कोसाइन सीरीज का समीकरण निकालना था तो यही हो गया, यदि साइन सीरीज को मेरे को निकालना होता तो ये मेरा आंसर हो जाता। देखिए यहाँ पर क्या निकालना था मेरे को कोसाइन सीरीज का निकालना था, कोसाइन सीरीज का समीकरण ये रहा आंसर। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर वीडियो को।